नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ग्रुप एडिटर इन चीफ मेडटॉक्स। गीता जी, आपको सवाल पूछना चाहते थे। मेरी दादी जी थी तो वो हमेशा कहती थी कि मेरी डेथ इस एज में हुई थी, क्योंकि वो कहती थी जब मैं छोटी थी मेरी डेथ हो गई थी। तो जब मैं मेरा सोल जब ऊपर गया तो वहां पर यमराज जी कहते कि आप किसको, यमराज जी को गुस्सा कोई करता है कि आप किसको ले आए हो, ये वाले को नहीं लेके आना था, साथ वाले घर में जो धनवती रहती थी उनको लेके आना था। तो उनका सोल थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता, सब कहते हैं ये जिंदा होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने एग्जैक्ट डेट बताई कि इस दिन को मेरी इतने सालों के बाद डेथ होगी, इस समय होगी। एंड दैट माई फादर लिटरली रिमेम्बर्स कि उन्होंने 15 दिन पहले अपने सब बच्चों को बुला लिया था, और फिर जिस दिन डेथ होनी थी वो जमीन पर लेट गई और मेरे फादर को बोला कि आप दिया रख दो, और सेम टाइम पर और उसी समय उनकी फिर वो डेथ हुई इतने इयर्स के बाद। गीता जी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मेडिकल साइंस को मैं लेके चलूं तो मैडम मॉडर्न मेडिसिन बोलेगी ये होक्स है, इस पे विश्वास नहीं करो, ये सब अंधविश्वास हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम सेवाग्राम में थे, विनोबा भावे जी उस वक्त में फास्ट अनटू डेथ थे, और 10 दिन पहले उन्होंने बोल दिया था कि मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। हम जानते हैं 3 मिनट बिना सांस के, 3 मिनट 3 दिन बिना पानी के, और 3 हफ्ते बिना खाने के आप नहीं रह सकते। पानी उनको अलाउड था, और उन्होंने कहा कि मैं अमावस्या के दिन में अपने प्राण छोड़ूंगा। रोजाना पूरी मेडिकल टीम लगी हुई थी, कभी यूरिन आउटपुट कम हो जाए, कभी पल्स कम हो जाए, कभी पल्स बढ़ जाए, तो रोजाना एक मूवमेंट आती थी कि बस अब गए, अब गए, अब गए, और थोड़ी देर के बाद में यूरिन आना चालू हो गया। तो हर प्रैक्टिकल पैरामीटर्स को उन्होंने जीता, एंड अल्टीमेटली ऑन द डे ऑफ अमावस्या, दैट वाज ऑन द डे ऑफ दिवाली, वेयर वी से बाहर अंधेरा है, दिल के अंदर में पूर्णिमा है, इन द मॉर्निंग आवर्स अराउंड 10 o'clock उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। That was a lesson to us. पर हम तो सेवाग्राम के माहौल में थे, स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाई जाती थी, वहां पे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम थे महात्मा गांधी के, वहां पे रोजाना हर हफ्ते हमारे यहाँ पे एक स्पिरिचुअल क्लास होती थी। ये मेरे मन में हमेशा से रहा सवाल, यही गीता जी का सवाल है कि क्या आप सपनों में देख सकते हो। और लेकिन इनका जो दूसरा सवाल था लाइफ आफ्टर डेथ, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सो इसके क्या सवाल के जवाब हम साइंस में दे सकते हैं? प्रोबेबली नो, बट क्वांटम साइंस में यस, क्वांटम मेडिसिन में यस, क्वांटम बॉडी के अंदर में यस। दैट मींस आई एम कनेक्टेड, आई एम नथिंग बट ए वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, and my wave particle duality, which is the manifest part of my body and the mind, is connected with the unmanifest part of my body called soul. So whenever I am connected to my unmanifest part of my soul, I may see the future, past and the present. We don't have today who can prove it, but it requires an extreme degree of parasympathetic state. For this, I will again go back to, is it possible to come back into life? जैसे इस केस के अंदर में हुआ। Yes, we need to understand Chandok Upanishad, Prashanno Upanishad. We need to understand the process of death. So when pranvritti and manovritti gets frozen, the pran are still alive. The person is still breathing. उस सिचुएशन के अंदर में आपकी मनो इंद्रियां, आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मर चुकी हैं। योर माइंड इज नो मोर फंक्शनल, इंटेलेक्ट इज नो मोर फंक्शनल, ईगो इज नो मोर फंक्शनल, योर मेमोरीज आर लॉस्ट टिल द बॉडी टेम्परेचर इज देयर। व्हेन आई से बॉडी टेम्परेचर मींस हीट, मींस तेज, मींस योर थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। उस सिचुएशन के अंदर में your manovritti has to take with it the heat of the body, the tej of the body, then only the person dies. That means agar koi body thandi pad jaye ka matlab hai usko hypothermia ho jaye, us situation ke andar mein, a situation mein kam hai, yani hypothermic state, karmendriyas are not functional, gyanendriyas are not functional,
माइंड इंटेलेक्ट ईगो एंड मेमोरी इज नॉट फंक्शनल, योर प्राण्स आर नॉट फंक्शनल, बट बॉडी टेम्परेचर इज लो. This is a state where Pranavayu and Udanavayu have still not left the body. Your Tej has still not left the body. Your body is revivable. That means, jo log kehte hain ki bina CPR ke hum bach gaye, these are the patients. Ya phir CPR se bach gaye in hypothermia after many hours or after many minutes, this is the answer. Now, during that phase, you are experiencing, say for example, when you have जब आपने स्पीच आपकी डेथ हो गई, दैट मीन्स यू कैन नॉट स्पीक बट यू कैन हियर. सो इन ए फेज वेयर यू कैन नॉट स्पीक बट यू कैन हियर, दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेथ. सो व्हाट एवर यू आर हियरिंग यू कैन रिमेंबर इफ यू रिवाइव बैक. इफ यू डोंट रिवाइव बैक इट्स फाइन. सो देयर विल बी स्टेजेस. सपोज यू रिवाइव बैक एट ए स्टेज ऑफ हाइपोथर्मिया, देन एट दैट फेज व्हाट एवर यू आर हियरिंग व्हेन योर स्पीच हैड गॉन यू विल रिकॉल. Whatever you were seeing, you will recall. Whatever you were thinking, you will recall. Whatever you were daydreaming, you will recall. So therefore, it is possible for a person to have a post-death experiences, but I won't call them as a post-death experiences because they are post-in process of dying experiences. Because you are not dead. You are in process of dying. Your body, Pranavayu and Udanavayu, till they are there in the body, you can remember your experiences with that. That's the way to explain this answer. Now question comes is, can you see your future? Can you pinpoint your future? That is only possible by understanding the concept of tanmatras, that my body is nothing but 6 trillion tanmatras, which is shabda, sparsh, roop, ras, gandh. ये पांचों जो मेरी वेव्स हैं, जो भी मैं बोल रहा हूं, अल्टीमेटली ऑल माय एक्सपीरियंसेस गेट कनेक्टेड टू तन्मात्रास, एंड दीज तन्मात्रास आर इन तन्मात्रास विद द नेचर, एंड व्हाट एवर माय इंटेंशन इज, दैट मींस इफ आई गेट अप विद अ फीलिंग कि मैं इस साल के अंदर में मरूंगा, उसके साथ में वो फीलिंग कहां से आई, चाहे वो इंट्यूशन हो चाहे वो इमेजिनेशन हो, तो बॉडी उसके बाद में उसको करने में लग जाती है. अगर आप सोचते हो मुझे कैंसर होगा तो हो सकता है, अगर आप सोचोगे मुझे तो ठीक होना है तो हो सकता है. ये जो विल पावर है हमारी, ये कई बार ही आपको ले जाती है. जैसे आप कह रहे हैं कि 10 दिन पहले उन्होंने जमीन पे लेट गई, तो उसका मतलब है कि वो उनकी विल पावर के बाद में एक्सट्रीम पैरासंपथेटिक स्टेज में. अगर आप सोचते हो आज मुझे अपने प्राण त्यागने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो. अगेन मेडिकल साइंस साइलेंट है, इसके बारे में विश्वास नहीं करती, लेकिन जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उसका ये आंसर हो सकता है. धन्यवाद.